हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा फैशन हाउस में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए फ्लिपकार्ट से फुल ऑन वेडिंग वेयर, पार्टी वेयर, सूट सेट, कुर्ती सेट हॉल लेके आई हूँ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर। अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट कुर्ती की साइड, जो है बहुत ही प्रिटी। वो मैंने मेट्रो फैशन हाउस से मंगाई और बहुत ही प्रिटी है। और फर्स्ट लुक एट दिस, ये कुछ इस टाइप की है, हल्का सा ग्रेइश टाइप की मंगाई है मैंने। इसमें मैंने एल साइज़ को पिक करा है, बट अभी एक्चुअली में 15 डेज से ना मुझे एल साइज़ थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, बिकॉज मेरा वेट लूज़ हो चुका है। तो मैंने ना हल्का सा इसको पीछे से पिनअप से टाइप कर रखा है और बाकी मैं इसको स्टिच करके करवा लूँगी सही। तो इसकी बात करें तो ये फुल ऑन कॉटन ब्लेंड मटेरियल की है और इसमें 3/4 स्लीव्स आ रही है। लुक एट दिस, 3/4 स्लीव्स आ रही है। फ्रंट साइड से हमको ना मैड्रिन नेक प्रोवाइड हो रहा है, जिसमें हल्का सा वी कट है। पूरी स्ट्रेट कुर्ती है, कॉटन फैब्रिक है। अंडर 300 ही होगी ये कुर्ती। और ये फ्रंट साइड पे ना हमको 3 बटन्स दे रखे हैं। ये वुडन बटन है, ये कोई भी फंक्शनल नहीं है, बस उन्होंने शो पीस के लिए दिए हैं। लुक एट दिस, पूरी कुर्ती में ना जो आपको दिख रहा है मल्टी कलर में हमको लाइनिंग वाली दे रखा है। ये प्रिंट है, पूरा ही प्रिंटेड करके रखा है और बहुत ही अच्छी लग रही है। मतलब आप कुछ अलग टाइप से कुछ चूज करना चाहते हैं कम बजट में, ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, बिकॉज ये डेनिम पे बहुत ही ऑसम जाएगी। पूरी स्ट्रेट कुर्ती है, मेरी कॉल्फ लेंथ से हल्का सा नीचे थी। दोनों साइड से हमको साइड स्लिट प्रोवाइड है। लुक एट दिस, दोनों साइड से हमको साइड स्लिट प्रोवाइड है और बैक साइड से कुछ इस टाइप से है। लुक एट दिस, इसको ना आप डेनिम के साथ वेयर करेंगे ना तो बहुत ही ऑसम लगेंगे। सीक्रेट पैंट के साथ, प्लाजो के साथ भी वेयर करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें ना 2 कलर थे तो मैंने ये वाला कलर पिक करा है, क्योंकि इसमें मल्टी कलर का कॉम्बिनेशन आया है। ग्रे कलर है, रेड कलर है, लाइट इलायची पिस्ता कलर से उसका कॉम्बिनेशन करके दिया है। इसका ना एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट कुर्ता सेट की साइड, जो है बहुत 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 ही प्रीटी। आप देखेंगे ना बोलेंगे ओ गॉड, इतना प्यारा कुर्ता सेट। एक्चुअली में ना ये वी ट्रेडिशन हाउस से है और वी ट्रेडिशन के मैंने कई आपके साथ शेयर करे और आफ्टर वॉश भी बहुत ही ऑसम निकले, ट्रस्ट मी गाइस। तो इसके फर्स्ट कुर्ती की बात करें तो लुक एट दिस, ये वी ट्रेडिशन से है। लुक एट दिस, इसमें भी मैंने एल साइज पिक किया है। अभी एक्चुअली में मुझे एल साइज थोड़ा सा लूज हो गया है, बिकॉज मेरा वेट अच्छा खासा मतलब कम हो चुका है। तो इसको भी मैं हल्का सा स्टिच करवा लूंगी, बाकी मुझे मीडियम साइज परफेक्ट बैठ रहा है अब। तो इसमें मैंने एल साइज पिक करा है, जिसको मैं हल्का सा स्टिच करवा लूंगी। इसके फैब्रिक की बात करें तो ये फुल ऑन आर्ट सिल्क फैब्रिक का मिल रहा है। 3/4 स्लीव्स आ रही है, दोनों साइड से 3/4 स्लीव है। इसके कलर की बात करें तो बेबी पिंक कलर का, अगर आप कुछ आई सूदिंग बहुत ही लाइट कलर का पिक करना चाहते हैं तो ये बेबी पिंक कलर का मैंने पिक किया है। इसमें एक्चुअली में ना 4 कलर थे, बट मैंने ये कलर पिक करा। आपको अगर दूसरा कलर कोई पसंद हो तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। तो इसमें फ्रंट साइड से हमको अच्छा खासा डीप नेक आ रहा है, ज़्यादा डीप नहीं है, अच्छा नेक है इसका, राउंड शेप का आ रहा है। पूरा ही जो हमको दिख रहा है, पूरा ही सिक्वेंस वर्क के साथ उन्होंने गोल्डन कलर के थ्रेड के साथ एम्ब्रॉयडरी करके दिए। लुक एट दिस, बहुत ही फिनिशिंग वाली इसकी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। नेक पोर्शन पे भी उन्होंने ना गोल्डन कलर के वही तार वाली डिटेलिंग करके दिए, मतलब उससे पाइपिंग करके दिए, जिससे फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आ रही। पूरी कुर्ती स्ट्रेट कुर्ती थी, मेरी कॉल्फ लेंथ से नीचे तक की थी। दोनों साइड से ना हमको साइड स्लिट प्रोवाइड है। लुक एट दिस, दोनों साइड से हमको साइड स्लिट प्रोवाइड है। गेट दिस, हल्का सा ट्रांजी हो सकता है तो आप ना इसमें लाइनिंग डाल सकते हैं। वैसे ये बहुत ही ऑसम, मतलब सिल्क फैब्रिक है ना, तो देखिए कितना शाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है। और बैक साइड से कुछ इस टाइप से, लुक एट दिस, पूरा ही प्लेन है। पता है इसका फैब्रिक इतना अच्छा सिल्क फैब्रिक है कि ना टच करने पे भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और जब इसको मैंने वेयर करा था ना, ट्रस्ट मी गाइज, बहुत ही ऑसम लग रहा था। आप ट्राई ऑन हॉल में देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बॉटम वेयर की बात करें तो वही सेम पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का हमको बॉटम वेयर रिसीव होता है। और बॉटम वेयर में ना फ्रंट साइड से हमको बेल्ट पैटर्न में मिल रहा है, बैक साइड से हमको इस टाइप से मिल रहा है इलास्टेटेड। बॉटम वेयर के पैटर्न की बात करें तो फुल ना ये प्लाजो पैटर्न में नहीं आ रहा है, पैंट टाइप का आ रहा है, क्योंकि हल्का सा ना उन्होंने नीचे से नैरो कर दिया है। इसका भी आर्ट सिल्क फैब्रिक है। बॉटम वेयर की लेंथ मुझे परफेक्ट आ रही थी, मेरी 5'4" है तो मुझे परफेक्ट आ रहा था। और थाइज एरिया से ना ये बहुत ज़्यादा ही कम्फर्टेबल था, क्योंकि ना सिल्क फैब्रिक है, सिल्क फैब्रिक स्ट्रेचेबल नहीं होता, तो मुझे थाइज एरिया से बहुत अच्छा कम्फर्टेबल हो रहा था। मैं बैठ के भी देखी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, और कुछ इस टाइप से आई है। और दोनों साइड पे ना हमको पॉकेट प्रोवाइड है। लुक एट दिस,
दोनों साइड से पॉकेट प्रोवाइड है जिसमें आप मास्क और मोबाइल को आराम से वेयर कर सकते हैं। और फ्रंट साइड पे ना इस टाइप की हमको ना स्टिचिंग करके दिए, तो पैंट पैटर्न में ना इस टाइप की स्टिचिंग करके देते ना तो ना बहुत अच्छी फिटिंग आती है, जिससे ओवरऑल सूट सेट ना बहुत ही अच्छा अंडर 500 का ही होगा। मस्ट बाइंग पीस है, गो फॉर इट। इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो वहां आप देख लीजिएगा। बट हम नेक्स्ट सूट साइड की साइड उसके साइड बढ़ने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और प्लीज 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 अगर वीडियोज बहुत अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हम नेक्स्ट सूट साइड की साइड, इसको देखेंगे ना आप बोलेंगे बहुत ही प्रीटी है, मुझे पर्सनली बहुत ही प्रीटी लगा है। इसमें ना ये थ्री पीस सूट सेट है, इसमें दुपट्टा पैंट मतलब बॉटम वेयर कुर्ती आ रही है। फर्स्ट हम इसकी कुर्ती की बात करें तो ये मैंने वर्डे वोगल ब्रांड से मंगाया है, ओवरऑल सूट सेट बोले तो ये वर्डे वोगल कंपनी का है सूट सेट। तो इसकी कुर्ती की बात करें, फर्स्ट लुक एट दिस। वर्डे वोगल के मैंने कई सूट सेट परचेस करे और मैंने इसका हॉल भी लेके आई हूँ और आफ्टर वॉश भी ट्रस्ट मी गाइस बहुत अच्छे निकले। तो ये देखा जाए तो ये मैंने बहुत ही प्यारा येलो कलर का पिक करा है ये सूट सेट। इसमें भी 4 कलर थे, अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा है तो अदर ऑप्शन भी है, आप वो भी पिक कर सकते हैं। तो इसकी बात करें तो हमें फ्रंट साइड से राउंड नेक प्रोवाइड हो रहा है, 3/4 स्लीव्स आ रही है, लुक एट दिस, 3/4 स्लीव्स है दोनों साइड से। हमको ना आस्तीनों पे इस टाइप की जरदोशी वाला जो वर्क चलता था ना उसकी हमको ना पूरी एम्ब्रॉयडरी करके दी है, जिसमें बीच में ना सीक्वेंस वर्क को टक करके दिया है। वाइट कलर की जरदोशी का काम है इसमें। फ्रंट साइड से पूरा ही जो योग पोर्शन पे दिख रहा है आपको, पूरा ही सीक्वेंस वर्क के साथ जरदोशी वाला वर्क किया है। वाइट जरदोशी जो रहता था ना उससे पूरे में वर्क किया है। फर्स्ट लुक एट दिस, जो बहुत ज़्यादा ही प्रिटी दे रहा है और बहुत हाईलाइट हो रहा है। येलो पे वाइट कलर बहुत ही उभर के आ रहा है जो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ना बहुत ही ज़्यादा चटक वाला येलो नहीं है, मस्टर्ड येलो टाइप से कलर है, जिससे क्या होगा आपका कलर ना और खिल के आएगा। पूरी कुर्ता ना स्ट्रेट कुर्ता है, दोनों साइड से ना हमको साइड स्लिट प्रोवाइड है इस टाइप से, और बैक साइड से कुछ इस टाइप से, लुक एट दिस, बैक साइड से कुछ इस टाइप से। इसमें भी मैंने एल साइज पिक किया जो हल्का सा लूज हो रहा था, बट मैं स्टिचिंग करवा लूंगी तो मुझे परफेक्ट बैठ जाएगा। और ना हमको इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमको बहुत ही प्यारी ना येलो कलर की दोनों साइड पे, बैक साइड पे फ्रंट साइड पे लाइनिंग लगा के दिए, तो ये कंप्लीट सूट सेट है, गो फॉर इट। अब इसके हम बॉटम वेयर की बात करें, बॉटम वेयर भी सेम फैब्रिक हमें सिल्क फैब्रिक पे मिल रहा है और कुछ इस टाइप का, और ये बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा था, मुझे बिल्कुल भी गड़ नहीं रहा था कि बैठने पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो। तो बॉटम वेयर की बात करें तो फ्रंट साइड से हमें लास्टेटेड मिल रहा है, बैक साइड से भी लास्टेटेड है। इसके पैटर्न की बात करें तो ये हमें पैंट पैटर्न में मिल रहा है, लुक एट दिस। नीचे से ना उन्होंने हमको हल्का सा नैरो कर दिया है और एक सिल्वर कलर की गोटा पट्टी की लेस लगा के दी और साइड स्लिट दिया है बॉटम वेयर में। और बॉटम वेयर की लेंथ ना बहुत ज्यादा ही परफेक्ट थी, बिल्कुल भी ना छोटा नहीं था। मेरी हाइट 5'4" है तो मुझे परफेक्ट बैठ रहा था, और थाइज एरिया देखिए बहुत ही कंफर्टेबल था, बिकॉज ये कपड़ा ना स्ट्रेचेबल नहीं होता है, थाइज एरिया से बहुत ज्यादा स्पेस दे रखा है, ताकि क्या मान लीजिए किसी की थाइज अच्छी हेल्दी होते हैं तो उनको भी आराम से वेयर कर सकते हैं। इस सूट सेट में ना 3XL तक साइज अवेलेबल है, तो गो फॉर इट। इसके दुपट्टे की बात करें, दुपट्टा में सिंपल व्हाइट नेट का दुपट्टा मिल रहा है, लुक एट दिस, ये हमें इस टाइप का व्हाइट कलर का नेट का दुपट्टा मिल रहा है। दुपट्टा परफेक्ट है, परफेक्ट लेंथ आ रही है, छोटा बिल्कुल भी नहीं है, परफेक्ट लाइन का दुपट्टा हमें रिसीव हो रहा है। पूरा ही दुपट्टा ना सॉफ्ट वाला नेट है, जिसपे ना हमको इसे कुरेशिया वाली डिटेलिंग करके दी है, फ्लावर जो बने हैं कुरेशिया से, पूरे बुने हुए फ्लावर बने हैं जो बहुत अच्छी लग रहे हैं। और दोनों ना हमारे पल्ले पे इस टाइप की ना लेस लगा के दिए, येल्लो कलर की जिसमें गोल्डन कलर की जिगजैग वाली पट्टी भी लगा के दिए, लुक एट दिस। दोनों साइड पे ना चारों साइड बॉर्डर पे नहीं है, सिर्फ साइड में है, इस टाइप की उन्होंने लेस लगा के दी है। आप ना ट्राई ऑन हॉल में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और दुपट्टे की लेंथ परफेक्ट है, बिल्कुल भी छोटा नहीं था, परफेक्ट दुपट्टा है, मतलब ओवरऑल सूट सेट बहुत अच्छा है, कलर ऑप्शन भी अच्छे हैं और इसमें 3XL तक साइज अवेलेबल है। इसका ना एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो वहां आप देख लीजिएगा। और प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अगर वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें।
बाय बाय, टेक केयर।